क्या बोल रहा है तू मुझे कि तेरे पास इस केस के लिए पैसे नहीं है? मेरी बात समझ, तुझे इतना पैसा मिलेगा कि तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी जिंदगी चैन से जीनेगा तू। तेरी बीवी, उसे माँ बनने का शौक है ना, तू फिक्र मत कर, वो किसी भी बच्चे की माँ बन जाएगी। आप इस तरह क्या बोले जा रहे हैं साहब? मैं मेरी बात सुन दे रहा हूँ, तूने इस बच्चे को इसलिए नहीं मारा है क्योंकि कोई भी इंसान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारता है, और ये बच्चा सोने के अंडे देगा, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मेरी बात सुन, मैं तुझे फोन करूंगा, तू फिर वापस आना, लेकिन अकेला आना, अपनी बीवी को मत लेके आना, समझा? समझा के नहीं तू? समझ गया। समझा तू नहीं है बेटा, समझा तो अब मैं हूं कि मेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। और एक बात और समझनी मुझे कि पांडे परिवार, पांडे एंड सन्स, इस बच्चे की क्या कीमत है? आंखों का तारा है तो कीमत भी आसमान को छुएगी। यस। आप यहां इस कमरे में क्या कर रही हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए नेत्रा, कि तुम यहां क्या कर रही हो इस घर में? सवाल करने का हक यहां किसको है? बाहर वाला यहां कौन है? मैं या तुम? ये अचानक क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे शास्त्रों में मां को देवी का, भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर मां बनकर जो करने की कोशिश तुम कर रही हो वो तो शायद टायन भी ना करे। देखिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप दरअसल माना कि मैं लाचार हूं, मां नहीं बन सकती, मगर इतनी भी मोहताज नहीं हूं कि तुम जैसी गिरी हुई लड़की मेरी भाग्य विधाता बने। क्या कह रहे हैं आप? क्या अनाचना बके जा रही है? मैंने तुम पर भरोसा किया नेत्रा, और तुमने? और मैंने क्या किया है? मैंने क्या समझती थी तुम? हाँ, क्या समझती थी? मेरे सामने सामने मेरे पति को हत्या लोगी? समर मेरी जिंदगी है नेत्रा, और मेरी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है नेत्रा, समझी तुम? क्या लगता है तुम्हें मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर फायदा उठाओगी तुम इस बात का? इसी बात की दुहाई दोगी ना तुम? तो सुन लो, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, और अगर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, अगर मुझे इस बच्चे की जरूरत नहीं, तो तुम्हारे इस घर में रहने के लिए कोई मकसद, कोई मतलब नहीं रह जाता। आज तक तुमने सिर्फ मेरा भोलापन देखा है नेत्रा, मगर अब तुम मेरा रौद्र रूप देखोगी। बर्बाद हो जाओगी नेत्रा, खाक हो जाओगी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर शेखर पांडे। वैसे मेरा मन किया कि तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट दूं दिवाली पे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाए, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी हो, जैसे कि तुम्हारा बच्चा। तुम्हारा बच्चा जिंदा है शेर।
क्या यार, अब दिवाली का गिफ्ट है तो अच्छा होना चाहिए। एक बात बताऊं, सच बात, मैं नहीं चाहता था कि वो जिंदा बचे। पर वो बच गया, उसकी किस्मत है और वो मेरी किस्मत बदलेगा, वो मुझे यहां से रिहा करवाएगा। नहीं, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं। पर हाँ, अगर तुमने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। शेखर, ऐसी बातें नहीं करते, अंजाम तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, हम दोनों के लिए बहुत अच्छा। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। नहीं नहीं मानस, मैं नहीं मानता। मेरा बच्चा इस दुनिया में है। अरे भाई, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में है क्योंकि वो और किसी दुनिया में गया ही नहीं। तुम्हारा बच्चा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा जिंदा है। अरे अगर वो जिंदा होता तो मैं उसको पहली नजर में पहचान लेता। लाइक अ गुड फादर। ठीक है, पहचान लेना जब वो शाम को आएगा। आज शाम को यहां? हाँ, 7 बजे। लेकिन अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे मरवा दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद तुम्हें फर्क पड़े। अरे रुक्मिणी, अरे चलो जल्दी चलो, शेखर इंतजार कर रहा होगा। रुक्मिणी, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ? हमें भी तो इंतजार है। किसका? खुशियों का। हमारी जिंदगी में कोई रौनक ही नहीं बची है, न जिया है न शेखर है। घर जैसे सूना सूना लग रहा है, वीरान सा। नहीं रुक्मिणी, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक बार समर का बच्चा हो जाए तो देखना, घर में चहल पहल फिर से हो जाएगी। तुम्हें याद है रुक्मिणी, जब समर पैदा हुआ था ना, तब वो जो हंसी। बाबा। अरे देवयानी। क्या बात है देवयानी? आज दिवाली है, खुद तैयार हो जाओ, फिर घर को सजाओ, कितने सारे काम पड़े हैं। हा? बाबा, माँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात है दिव्यानी? माँ, मैं इस घर में अब जी नहीं पा रही, मेरा दम घुट रहा है। मैं क्या कह रही हो तुम, बात क्या है? बाबा, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा बाबा, और अब मैं इस बात को और मन में नहीं रख सकती। ये जो आपका बेटा है ना समर, ये है इसकी परेशानी। भाई ये सब कुछ सोचना था तो शादी के वक्त सोचना था, अब कुछ नहीं हो सकता। दरअसल बात यह है कि आप तो जानती हैं ऑफिस में कितना काम रहता है, अब पिछले कुछ दिनों से मुझे आते हुए रोज देर हो जाती है, बस उसी बात को लेकर परेशान है ना दिव्या, यही बात है ना? बस इतनी सी बात, बस छोटी सी बात पर आज के दिन तुमने डरा दिया बेटा। चलो रुक्मिणी, शेखर इंतजार कर रहा होगा। हाँ बाबा, आप लोग जाइए, मैं इसे खुश कर देता हूँ। पागल हो गई हो तुम, ये सब करने से क्या हासिल होगा? और जो तुम कर रहे हो उससे क्या होगा?
जानते हो डर गए थे ना समर, ये सोचकर घबरा गए थे ना कि मैं तुम्हारी और नेत्रा की रासलीला के बारे में माँ बाबा को बता दूंगी। कीचड़ में हाथ डालने से हाथ गंदे हो जाते हैं समर, और इस कीचड़ में पल रहे पाप से मुझे नफरत है। मैं नहीं चाहती कि नेत्रा इस बच्चे को जन्म दे, और मैं माँ बाबा से यही बात कहने आई थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। मैं माँ बाबा से कहूंगी कि वो नेत्रा से इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कह दे। मैं इस बच्चे को इस घर में नहीं आने दूंगी। अच्छा, ये फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, उस बच्चे का बाप हूं मैं, और वो बच्चा होगा। देखो देवयानी, बात को समझने की कोशिश करो। अभी नेत्रा का चौथा महीना चल रहा है, अगर अभी बच्चा गिराया गया तो नेत्रा की जान को खतरा हो सकता है। तो इससे तुम्हें क्या मतलब? या मतलब है समझ, बच्चे से ज्यादा नेत्रा से। देवयानी एक बात कान खोल के सुन लो, बच्चा होगा और जरूर होगा। ये बात तुम्हें पसंद आए या ना आए, दैट्स फाइनल। मेरा बच्चा जिंदा है, मानस ऐसा क्यों कह रहा था? शेखर, बाबा, शेखर एक ये दिवाली भी देख ले जिसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बच्चे तो माँ बाप की रोशनी होते हैं, अगर वही घर में नहीं है तो घर सोना सोना लगता है। हैप्पी दिवाली शेख। क्या सोच रहे हो बेटा? जिया, हमारा बच्चा जिंदा है जिया। आ जिया, हमारा बच्चा जिंदा है जिया, हमारा बच्चा जिंदा है, हमारा बच्चा जिंदा है। शेखर कहाँ है वो? हम उसे पालेंगे, हमारी जिंदगी फिर से खुशियों की करवट लेगी। हमारे साथ जो भी गलत हुआ था ना, सब ठीक हो जाएगा शेखर, हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे, है ना? क्या बात है शेखर, क्या हुआ? माँ, मैं यही सोच रहा था माँ कि अगर खुशियां हो तो हर दिन दिवाली लगता है, खुशियां ना हो तो दिवाली भी सोनी लगती है। माँ आज तो घर में पूजा होगी ना? हाँ, जिया के घर पे हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। जिया का घर? अगर मैंने इन्हें मुन्ने के बारे में बताया तो जिया के नए बसे घर पर बुरा असर पड़ सकता है, और पता नहीं वो हमारा मुन्ना है भी या नहीं।
माँ, रहने दो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारे साथ ही। हमेशा खुश रहो, इन दियों की रोशनी तुम्हारी जिंदगी से कभी न जाए। अरे माँ बाबा और सब लोग आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। वाह, उस घर में दिए जला रहे होंगे। लो देवयानी, दिए जला दो। नहीं, मैं नहीं जलाऊंगी ये दिए। क्यों? मैंने कह दिया ना, मुझे ये दिए नहीं जलाने। देवयानी प्लीज, माँ ने कहा है। देखो देवयानी, तमाशा मत करो, माँ ने कहा है दिए जलाने के लिए। मैंने भी कहा है मैं दिए नहीं जलाऊंगी। देवयानी यूं बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। अच्छा ठीक है, हम दोनों मिलके दिए जला देते हैं। अब जल्दी करो, इसके बाद पूजा के लिए जिया के यहाँ भी जाना है हमें। हमें मत, मुझे और तुम्हें, या तुम्हें और नेत्रा को। बहुत अच्छी पूजा हुई, नहीं? मन प्रसन्न है। अरे समर, ये क्या? मैंने अंदर दिवाली की पूजा भी कर ली, यहाँ पर दिए अभी तक नहीं जले। क्या बात है देवयानी, जिया को मिस कर रही हो? हम लोग तो वहां जा ही रहे हैं, लेकिन इस घर को इस तरह से अंधेरे में छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे। और फिर दिए जलाना तो बहुओं का ही हक होता है। क्यों, मैं जला देती हूँ माँ। तरह नेत्रा भी जगमगा रही है, नहीं? सच कहा आपने माँ, नेत्रा जगमगा रही है, बिल्कुल इस दिए की लौ की तरह, है ना समर? जीती रहो बेटा, तुम्हें खुश देखकर बेहद खुशी हो रही है। लेकिन जिया, घर की खुशी बच्चों से ही होती है, अब इस घर में बच्चा आ जाना चाहिए। मेरी जिया की गोद जल्द से जल्द भर जाए। पर माँ, उसमें अभी बहुत वक्त लगेगा, अभी पूजा के लिए चलते हैं, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गायत्री जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो मम्मा पूजा की तैयारी करें, आप लोग चलिए। चलिए। तुझे क्या हुआ, उदास क्यों है इतनी? क्या बताऊं साहब, कैसे लेके आया इसको? अगर कोई इसको हाथ लगा दे तो मेरी बीवी तो उसका हाथ ही खा जाए। बस ये समझिए कि मैं किसी भी तरीके से लेके आया इसको। ये बच्चा मेरी यहाँ से निकलने की टिकट बनेगा। शेखर भाई अब तक आया नहीं। ले शिखा, ले, पहचान ले अपने बच्चे को। क्या कहा था तुमने कि एक पल में पहचान लोगे? आओ लो, पहचान लो। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी।
पुंडरीकाक्ष मंगला।